हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। मैं साहिल सर सावल क्लासेस से साइंस की जीके की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। साइंस की जीके के अंदर फिजिक्स से रिलेटेड ये एक टॉपिक है जो हमारे पेपर में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जिनके साइंस की जीके आती है, इससे एक, दो या रेलवे जैसे पेपर के अंदर तीन क्वेश्चन भी बन सकते हैं। साइंस की जीके की सीरीज़ की ये मेरी वैसे 12वीं वीडियो है, पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग जो मैंने ये वीडियो बनाई है, मेरा फर्स्ट पार्ट है। इस तरह के दो पार्ट और टोटल तीन वीडियो में अपलोड करूँगा। 25 25 25, टोटल 75 इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्ज नहीं होते हैं, बट इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि हम कोई भी वीडियो जब अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाता है। मैं सावल क्लासेस से हूँ और सावल क्लासेस के अंदर हम बैंकिंग, इसके अलावा एसएससी और रेलवे प्लस अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ग्रुप चलाते हैं। इसके अलावा हम टीचिंग से रिलेटेड सी टैट या पंजाब टैट या एच टैट या आर टैट की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। अगर आपको इन कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप ऊपर दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा खुद का नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मेरे को बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के पहले इंस्ट्रूमेंट से। इसके अंदर मैंने, जैसे कि आप देख पा रहे हो, वन के नीचे स्टार लगा हुआ है। जो इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्टेंट है उसके नीचे एक स्टार है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके नीचे दो स्टार हैं, और जो लिस्ट इम्पोर्टेंट है उसके नीचे कोई स्टार नहीं है। तो आप क्लासिफाई कर सकते हो कि इन 75 में से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है और सबसे कम इम्पोर्टेंट कौन सा है। ये एक मैक्सिमम लिस्ट हमने तैयार की है इसकी, जो है सबसे पहला जो मीटर है उसका नाम है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो होता है यह ऊंचाई मापने का यंत्र है। अल्टी बना है एल्टीट्यूड से, और एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई ही होता है। यह जो है विमानों में प्रयोग होता है, एयरक्राफ्ट में यूज होता है। अल्टीमीटर और एन एल्टीट्यूड मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द फिक्स लेवल। ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दूंगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए इन द रिटन फॉर्मेट, तो आप डिस्क्रिप्शन से वो लिस्ट उठा करके प्रिंट भी करा सकते हो। बाकी इस वीडियो को समझने के लिए, इस पार्ट को समझने के लिए आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी। तो पहला था अल्टीमीटर। कुछ मीटर की डायग्राम भी मैंने इंक्लूड की है जिससे आपको क्लैरिफाई ज़्यादा अच्छे से हो जाए कि ये मीटर अगर आपने कभी ज़िंदगी में देखा हो तो ये किस तरह का होता होगा। जैसे कि अल्टीमीटर जनरली तो हम नहीं देखते हैं, पर एयरक्राफ्ट के अंदर ये मीटर यूज़ होता है। ये एक अल्टीमीटर की डायग्राम है। इसके अंदर एक ये फिट के अंदर हाइट दिखाई हुई है इसके अंदर जो है, तो ये अल्टीमीटर है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसका नाम है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है ये वायु का बल और गति को मापा जा सकता है। अगर मैं इसकी आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये इसकी इस तरह से डायग्राम होती है। ये आपने देखा होगा बहुत सारे बिल्डिंग के ऊपर लगा होता है। ये हवा की दिशा तो नहीं पता लगाता, पर हवा की गति और गति से उसका बल, ठीक है ना, इससे वायु का बल गति को मापा जा सकता है। आप पूरी लाइन मत लिखना, आप उतारते वक्त जो है आप कीवर्ड नोट करो सिर्फ कि एनीमोमीटर वायु की बल और गति को मापता है। एनीमोमीटर जो होता है इट मेजर स्पीड एंड फोर्स ऑफ विंड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा मीटर है आज का, वो है ऑडियोमीटर। जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है, ऑडियोमीटर, ऑडियो का मतलब आवाज़ से रिलेटेड है। इसे ध्वनि की तीव्रता को मापा जा सकता है। ऑडियोमीटर का यूज़ क्या है, लिखो ध्वनि की तीव्रता, कि आवाज़ की जो इंटेंसिटी होती है, हियरिंग इंटेंसिटी जो होती है उसको मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ऑडियोमीटर।
ये लगभग ऐसा का इंस्ट्रूमेंट होता है, लैब्स के अंदर होता है ये, जनरली हमें देखने को नहीं मिलता, इसका प्रयोग ही होता है। नेक्स्ट फोर्थ जो हमारा मीटर है वो है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन जो है इसे सुनने की मशीन भी कहा जाता है। जिन लोगों को कम सुनाई देता है, आपने देखा होगा अक्सर उनके कान में एक मशीन लगी रहती है, उस मशीन का नाम ऑडियोफोन होता है, इसे सुनने की मशीन कहा जाता है। मतलब जो बाहर की आवाज़ें हैं उनको एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफाई करके सुना जाता है। ये देखी होगी आपने, एक तो ये छोटी सी मशीन लगती है जो पूरी कान के ऊपर फिट हो जाती है, ब्लूटूथ टाइप का डिवाइस होता है ये जो है, और एक जो इसकी मशीन होती है जिसके साथ एक पूरा रिसीवर होता है जो कि अलग से जेब में डाला जाता है, और कान के साथ सिर्फ हेडफोन लगते हैं। तो ये दो तरह के आते हैं बेसिकली जो है। पांचवा जो हमारा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है एक्टीमीटर। एक्टीमोमीटर। एक्टीमोमीटर जो होता है ये मैग्नेटिक रेडिएशन को नापने के काम आता है, विद्युत चुंबकीय विकरण जो ये किरणें होती है उनको नापने के काम आता है। ये कोई कॉमन डिवाइस तो नहीं है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, वन स्टार का है ये जो है, तो आप इसको भी अच्छे से समझ लेना कि विद्युत चुंबकीय विकरण को नापने के लिए एक्टीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक्टीमोमीटर देखने में कुछ कुछ ऐसा होता है, इसमें एक होल होता है जहाँ से विद्युत चुंबकीय विकरण आती है, ठीक है। नेक्स्ट छठा सिक्स्थ जो है वो है एरोमीटर। एरो का मतलब होता है एयर, हवा, तो हवा से रिलेटेड हुआ ये। यह वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है, मतलब इससे हम हवा की और गैसों की डेंसिटी का पता लगाते हैं क्या है। तो हवा और किसी भी गैस की घनता को नापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है उसको एरोमीटर कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सातवें मीटर की तरफ, जिसका नाम है एस्ट्रोमीटर। एस्ट्रोमीटर जो होता है वो तारों की प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कहलाता है। एस्ट्रो इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो का मतलब समथिंग रिलेटेड टू स्काई, आसमान, ब्रह्मांड, तारों से रिलेटेड जो है। तो तारों के प्रकाश की तीव्रता को नापने वाला, कि कोई तारा कम चमकता है ज़्यादा चमकता है, उसकी इंटेंसिटी को नापने वाला जो मीटर होता है एस्ट्रोमीटर होता है। अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सिंपल था, आप इसको लिख लेना। नेक्स्ट जो हमारा ये देखने में इस तरह से होता है जैसे कि ये एस्ट्रोनॉमिकल जो दूरबीन होती है, लगभग वैसा ही होता है ये जो है। नेक्स्ट जो हमारा आठवां मीटर आता है वो आता है एंटी एयरक्राफ्ट वन। ये कोई मीटर नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है एक्चुअल में जो है। ये गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाली तोप होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से होती है जो है, एंटी एयरक्राफ्ट गन, आपने इसका नाम सुना होगा जो है, ये युद्ध में जनरली यूज़ की जाती है, ठीक है। एंटी एयरक्राफ्ट गन हवा में किसी विमान या किसी और मिसाइल को गिराना वाली जो तोप होती है उसको एंटी एयरक्राफ्ट गन कहा जाता है। नेक्स्ट नाइन्थ डबल स्टार एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर नाम क्लियर है, एक्सेलरेशन, वाहन के त्वरण को मापने वाला यंत्र है। एक्सेलरेशन को मापने के लिए जो मीटर यूज़ किया जाता है उसको एक्सेलरोमीटर कहा जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिकली वेलोसिटी होता है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी व्हीकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रवेग होता है उसका चेंज टाइम के साथ एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरोमीटर जो होता है, ठीक है, ये जनरली एक्सेलरोमीटर जो होते हैं ये हमारे मोबाइल डिवाइस के अंदर भी लगे होते हैं। अगर आप देखो तो उसके अंदर एक्सेलरोमीटर आता है, तो ये एक्स वाई और जेड एक्सिस, तीन तरह की एक्सिस को मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो दसवां मीटर है हमारा वो होता है बारोग्राफ। बारोग्राफ जो होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो हवा का जो दाब होता है अगर वो बदलता रहता है तो उसके बदलाव को ग्राफ की फॉर्म में हमें दिखाता रहता है।
इसीलिए इसका नाम बैरोग्राफ होता है। बैरो मतलब समथिंग रिलेटेड टू एटमोस्फेयर, ग्राफ मतलब ग्राफ, तो हवा का जो वायुदाब होता है उसको बदलते हुए वायुदाब को ग्राफ की फॉर्म में दिखाने वाला बैरोमीटर कहलाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर हवा के दाब में बदलाव आता है तो उससे हमें ये पता लगता है कि अभी यहाँ पे मौसम बदलने वाला है। जैसे कि अगर हवा का दाब कम हो जाता है तो बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह से इनका साइंटिफिक लेवल के ऊपर या मौसम विभाग में यूज़ है जो है, ठीक है। और ये देखने में कुछ कुछ ऐसा होता है, ये बहुत ही एडवांस डिवाइस होता है बैरोग्राफ। आपने सुना होगा एक बैरोमीटर, बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो वायु दाब को मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर देखने में ऐसा होता है, इसके अंदर एक कांच की ट्यूब होती है जिसके अंदर मरकरी भरा जाता है और इसकी हाइट जो होती है, एक एटमॉस्फेयर की हाइट जो होती है वो 760 mm होती है, मतलब 76 cm तक मरकरी जो है वो ट्यूब के अंदर रहती है और जो प्रेशर है वो इसको यहाँ बैलेंस करके रखता है, उसी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकलता है। ये डायग्राम मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये जो हाइट होती है जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 76 cm या 760 mm होती है। ये हाइट आप ध्यान रख लेना, एक एटमॉस्फेयर 76 cm होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर के अंदर जो है, ये बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट जो 12वां यंत्र है हमारा वो है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर जो होते हैं, दूरबीन जिसको आप कहते हैं, इससे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। दूरबीन तो हमें पता ही है, दूरबीन कई तरह के आते हैं, कईयों की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट चांद को और अदर ग्रह को भी, प्लैनेट्स को भी हम देख सकते हैं और कई लोकल साइट सीइंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कैसी क्वालिटी का हम यूज़ करते हैं, दूरबीन के प्रति हम सारे फैमिलियर हैं। तो ये एक ऐसा यंत्र होता है जो दूर की वस्तुओं को नज़दीक लेके आता है। 13वां इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारा बोलोमीटर। बोलोमीटर जो होता है वो हीट रेडिएशन को नापने के काम आता है। हीट रेडिएशन, इससे पहले हमने पढ़ी थी सिंपल रेडिएशंस, ये है हीट रेडिएशन, ताप विकरणों को मापने के काम आता है, ठीक है। तो ये डिवाइस लैब के अंदर होता है, इसकी एक डायग्राम मैंने आपको दिखा दी है। ये लाइट इसके ऊपर पड़ती है और उसके वोल्टेज चेंज होने से कितना वोल्टेज चेंज हुआ वो डिपेंड करता है कितनी लाइट उसके ऊपर आके गिरती है। इस तरह का ये एक ऑपरेटस होता है। तो डायग्राम तो आप चाहे इसकी ड्रा मत करना, बस इतना ध्यान रख लेना कि ताप को मापने वाला है, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई स्टार नहीं मिला इसको जो है। 14वां मीटर डबल स्टार वाला है मेरे पास, कैलिपर्स। कैलिपर्स क्या होते हैं ये आपने सुना होगा, कैलिपर जो होते हैं ये ऐसे स्केल होते हैं जो बहुत बारीक कैलकुलेशन के काम आते हैं। मतलब अगर आपने कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट करनी है तो आप कैलिपर का यूज़ करते हो। कैलिपर कई तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कैलिपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, एक सिंपल कैलिपर है। इसकी हेल्प से आप कोई भी कैलकुलेशन लंबाई की जो आपने करनी है वो बहुत एक्यूरेटली कर सकते हो। ये पूरे स्टैंडर्ड होते हैं और इससे वृत्ताकार वस्तुओं के भीतर और बाहर व्यास को मापा जा सकता है कि जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर या रेडियस को मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। 15वां हमारा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है कैलोरीमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है। कैलोरीमीटर जो होता है ये ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यूज टू मेजर द एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ये इस पर तो इनफैक्ट मैंने तो स्टडी की हुई है। इसके ऊपर जो है ये एक बहुत छोटा सा डिवाइस होता है, एक टेबल के ऊपर आ जाता है। किसी चीज़ को जला करके उसकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके फिर हम पता लगाते हैं। तो ये ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया था क्लोरीमीटर। जो क्लोरीमीटर कॉमनली यूज होता है उसको बम्प क्लोरीमीटर बोलते हैं। ये बम्प क्लोरीमीटर होता है, ये सबसे फेमस क्लोरीमीटर है जो हम यूज़ करते हैं। इसकी डायग्राम दिखा दी मैंने आपको जो है, कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापना, ठीक है, बस इतना लिख लेना इसका जो है। 16वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मेरा कार्डियोग्राफ। नाम से क्लियर है, कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड होएगा, ये हृदय गति को नापने में इसका प्रयोग होता है। लिखो कार्डियोग्राफ, इसका प्रयोग
हृदय गति को मापने में होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ये आपने देखा होगा जो ये पर्ची सी निकल के आती है जिसमें ये अपने जिगजैग जो है ये हार्ट बीट इस पे बनी होती है, आपने देखा होगा, ये बहुत कॉमन होता है डॉक्टर्स के पास जो है कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट 17वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास वो है कंपस। कंपस आपको पता ही है, कंपस जो होती है जो दिशा सूचक जिसको आप कहते हैं हिंदी के अंदर, जो है ये दिशा का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का ज्ञान कराता है हमें। जो है कंपस दिशा सूचक यंत्र है, इसके द्वारा किसी स्थान पर दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। बहुत 5-10 रुपये का डिवाइस आता है ये, आपको किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वाली शॉप के ऊपर मिल जाएगा। ये आपको जो है ये देखने में लगभग ऐसा होता है, ये जो रेड वाला पार्ट होता है हमेशा नॉर्थ की तरफ अलाइन करता है, तो आप इसको घुमा करके रेड की तरफ नॉर्थ ले आओगे और बाकी दिशाओं का ज्ञान आपको हो जाएगा कंपस। तो कंपस क्या होती है, दिशा सूचक। 18वां केमिकल हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर ऐसा यंत्र होता है जो जलयानों पर सही समय मापने में प्रयोग किया जाता है। क्रोनो का मतलब होता है टाइम, तो टाइम नापने का है यंत्र। अब टाइम नापने की तो क्लॉक होती है, पर जहाज़ों पर समय नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दिशाओं के हिसाब से, सूरज की गति, सूरज की दिशा के हिसाब से समुंदर में टाइम का पता लगाया जा सकता है। अदरवाइज अगर समुंदर में आपके पास एक ही घड़ी है और वो ख़राब हो गई तो टाइम का कैसे पता लगाओगे। तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, ये बहुत सिंपल सा डिवाइस होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये अगर आपने पुरानी फिल्मों में या पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसी मूवीज़ के अंदर देखा होगा, हीरो के पास ये इस तरह की क्लॉक होती है। ठीक है, तो समुंदर में टाइम पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर, क्रोनो मतलब टाइम। नेक्स्ट 19वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारा सेस्कोग्राफ। सेस्कोग्राफ जो होता है वो पौधों की वृद्धि को नापने वाला यंत्र है, कि जो अपने पौधे होते हैं उनकी हाइट को, उनकी ग्रोथ को नापने का बेसिकली ये यंत्र है। ये 20वीं सेंचुरी में सर जगदीश चंद्र बोस ने ईजाद किया था। ये हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है, जगदीश चंद्र बोस हमारे इंडियन थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका ईजाद किया था। तो ये याद कर लेना, जगदीश चंद्र बोस ने सेस्कोग्राफ का खोज की थी। ये चंद्र बोस ने काफ़ी इन्वेंशन हमारी फिजिक्स के अंदर की थी इन्होंने जो है। नेक्स्ट हमारा 20वां इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर तो सुना ही होगा, कार्बोरेटर में कचरा आ गया मोटरसाइकिल के, कार जीप के। कार्बोरेटर जो होता है वो इंटरनल कंबशन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल और हवा का मिक्सर बनाया जाता है। ठीक है, ये कार्बोरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो जिसके अंदर पेट्रोल इंजन के अंदर होता है बेसिकली, ये यहाँ पे पेट्रोल और हवा का मिश्रण को मिलाया जाता है। ठीक है, इस तरह का आपने इंजन देखा होगा, वो इंजन ही होता है जिसकी हम बात करते हैं, इंजन के साथ लगा होता है ये कार्बोरेटर। ठीक है, नेक्स्ट 21वां इम्पोर्टेंट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है साइटोट्रोन। साइटोट्रोन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। ये एक एडवांस मशीन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी इन्वेंशन एक इंडियन के द्वारा की गई है। आपने सुना होगा कि कैंसर के पेशेंट को जो है रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, वो साइटोट्रोन के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, ये RFQMR रोटेशनल फील्ड क्वांटम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज होती है। इस पे मैंने इतना फोकस इसलिए किया है क्योंकि ये एक इंडियन के द्वारा इन्वेंट किया गया डिवाइस है। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये इस तरह का एक डिवाइस होता है, ये जो लाइटें सी लगी है यहाँ से रेडिएशन निकलती है, साइटोट्रॉन। नेक्स्ट 22वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है डायनमो। ये डबल स्टार है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डायनमो एक ऐसा डिवाइस होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जनरली हमारे जनरेटर या मोटर में लगा होता है, आपने आप देखा होगा जनरेटर के अंदर जो इस तरह का जनरेटर इंजन के साथ जो डिवाइस लगा होता है ये डायनमो होता है। ये गोल घूमता है, इसके अंदर कॉइल लगी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये होता है हमारा डायनमो। ठीक है, मतलब इंजन अलग होता है, डायनमो अलग होता है, दोनों को मिला करके जनरेटर बन जाता है। ठीक है, तो डायनमो का मेन काम क्या है ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैकेनिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट 23वां इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर जो होता है ये वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को नापता है, मतलब कि किसी का वॉल्यूम जो चेंज होता है उसकी मेजरमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रख लेना। डायलेटोमीटर जो होता है किसी वस्तु का अगर आयतन चेंज हो रहा है तो उसको नापने में इसका प्रयोग किया जाता है, कि जब कोई फिजिकल या बौद्धिक या रासायनिक क्रिया होती है किसी का अगर वॉल्यूम चेंज हो तो उसको नापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर लेते हैं हम जो है। 24वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है उसका नाम है एडियोमीटर। एडियोमीटर जो होता है गैसों में रासायनिक क्रिया के कारण आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। वो किसी भी क्रिया को किसी भी तरह की क्रिया में होता है और ये सिर्फ रासायनिक क्रिया के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 25वां इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है इलेक्ट्रिक मीटर, सॉरी 25वां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर जो होता है ये आपको पता है ये विद्युत ऊर्जा की खपत को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एन इलेक्ट्रिक मीटर इज़ ए डिवाइस दैट मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय ए हाउस और बिजनेस। हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है ये उसी की बात कर रहे हैं हम जो है। इसके अंदर जो रीडिंग होती है अगर आपको ध्यान हो तो ये किलो वाट आवर के अंदर आती है, जो यूनिट बोलते हैं। अगर आप ये देखो 12345.6 kWh किलो वाट आवर, एक किलो वाट आवर का मतलब है एक यूनिट हमारा बल गया। तो ये तो लगभग सभी ने मीटर देखा होगा, आजकल ऐसे मीटर हमारे घरों में लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक मीटर। तो आज की वीडियो के अंदर हमने 25 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कवर करने थे जो कि हमारे हो चुके हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको किस तरह का कंटेंट फर्दर चाहिए। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। बाकी आपकी कमेंट से आपकी प्रेजेंस का मेरे को पता लगता है कि आप कितने इंटरेस्ट से या कितने डेडिकेशन से मेरी वीडियो देखते हो। तो मैक्सिमम कमेंट कीजिए, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड में शेयर कीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको बार बार रिपीट करके पोस्ट कर करके देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू वॉन्ट टू सर्च सावल क्लासेज इन यूट्यूब एंड फेसबुक, जस्ट राइट सावल एंड यू विल बी गेट ऑल अवर चैनल ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इट्स साहिल सर फ्रॉम सावल क्लासेज।